इसराइल ने टारगेट सेट किए, ईरान के न्यूक्लियर अड्डे, ईरान के तेल के कुएं, खामनेई का सीक्रेट बंकर, लोकेशन तय हो चुकी है, लेकिन हमले का वक्त अभी तय नहीं। हमला तब होगा जब अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। सुपर पावर ने नेतन्याहू को एटमी साइट दहलाने की मंजूरी अब तक नहीं दी है। इसी वजह से इसराइल ईरान फ्रंट पर सब्र दिखा रहा है, बाकी जगह दुश्मनों को चुन चुन कर दहला रहा है। इसराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का बदला फिर से बेरूत को दहला कर लिया है। आधी रात जंगी जेट से बारूद बरसाकर बेरूत को पाट दिया गया है। On the borders, members of Hezbollah kill Israeli soldiers. But Israel comes and kills people here. Wherever there is a building, they damage it. This is what they are able to do. इसराइल के हमले में झुलसे बेरूत में धुएं का गुबार अगली सुबह तक उठता रहा। बेरूत में जलती इमारतों से उठती लपटें अब भी शांत नहीं हुई हैं। इतने पर भी नेतन्याहू को सुकून नहीं मिला है। इसराइल अपने हर दुश्मन की टोटल तबाही के मिशन में जुट गया है। लेबनान में हिजबुल्ला पर बारूदी प्रहार नॉनस्टॉप जारी है। यमन में हूती विद्रोहियों को जंगी जेट से आईडीएफ दहला रही है। नेतन्याहू ने गजा और वेस्ट बैंक में हमास को रॉकेट अटैक से धुआं धुआं कर रखा है। सीरिया में भी इसराइल ने नया फ्रंट खोलकर मिलिशिया लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इसराइल के हाहाकारी हमले से अब भी बचा हुआ है तो वो है सिर्फ ईरान। लेकिन कब तक? जवाब अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने तय किया है कि ईरान को इस बार अच्छी डोज दी जाएगी, ऐसी डोज जिससे अली खामनेई की आए दिन वाली धमकियों का अंत हो जाए। ईरान से युद्ध में सुपर पावर अमेरिका इसराइल को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर चुका है। लेकिन जो बाइडेन ने नेतन्याहू के सामने एक शर्त रख दी है, इसी शर्त पर हमले ने फिलहाल ब्रेक लगा दी है। शर्त क्या है, खुद जो बाइडेन की जुबानी सुन लीजिए। The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but they have, all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. ईरान को सुपर पावर उसी अनुपात में दहलाने का प्लान बना रहा है जिससे खामनेई को सबक मिले और खाड़ी में कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर के सामने सिर उठाने की जरूरत भी ना दिखा सके। तो क्या है ईरान का पक्का इलाज, अमेरिका का वॉर प्लान? नेतन्याहू क्या इस पर राजी होंगे? कहना मुश्किल है। इसराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है। इसराइल दुश्मनों की तबाही तक रुकने वाला नहीं। इसराइल ने नसरल्ला के खात्मे के बाद भी हिजबुल्ला पर भीषण हमलों की नई धार दे दी है। अब इसराइल दुश्मन को दूसरे देश में घुसकर भी मारने लगा है। इसराइल ने मिसाइल हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के दामाद हसन जफर कासिर को मौत के घाट उतारा। मोहम्मद कासिर सीरिया से ईरान के हथियारों की डिलीवरी कराने वाला सप्लायर के तौर पर कुख्यात था। अमेरिका ने मोहम्मद कासिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। साल 2018 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोहम्मद कासिर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। स्काई न्यूज अरबिक के मुताबिक 2 अक्टूबर को दमिश्क में माजे वेस्टर्न विला में कासिर को ढेर किया गया। जैसे ही इसराइल ने नसरल्ला के दामाद का सफाया किया, तेल अवीव के आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। ईरान के अघोषित लड़ाके हूती के एयरफोर्स ने जाफा में ड्रोन स्ट्राइक करने का ऐलान किया। हूती फाइटर्स ने ड्रोन हमले में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया कि इसराइल पर हमले की उनकी ये 5वीं किश्त थी। आने वाले दिन इसराइल के लिए और खतरनाक होंगे। हूती विद्रोही जाफा में कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और बना चुके भी हैं। वो ड्रोन हमले से जाफा को दहला चुके हैं और अब उन्होंने अपना अगला टारगेट भी सेट कर लिया है, जिससे नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है क्योंकि हूती लड़ाकों की मिसाइल रेंज में पूरा इसराइल आता है। हूती विद्रोही तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका इससे पहले करने में कामयाब हो चुके हैं। हूती लड़ाकों की मिसाइल की रेंज में पूरा इसराइल आता है। इसराइल आरोप लगाता है कि हूती विद्रोहियों की मिसाइलें ईरान मेड हैं, जिन्हें सीरिया और अफ्रीका के रूट से यमन में सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते इसराइल ने सीरिया में भी हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल ने सीरिया में जिस हथियार डिपो को धमाके से उड़ाया है, उसके पास रूस का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अड्डा भी है।
गुरुवार की सुबह इसराइल के फाइटर ड्रोन और जंगी जेट ने सीरिया के जबलेह में हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की। 40 से 50 मिनट तक चले हमले के दौरान बारूदी धमाके का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता रहा। जिस हथियार डिपो को दहलाया गया वो सीरिया में सबसे बड़े रूसी एयरबेस हमीमिम के करीब लताकिया में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के हमले के जवाब में रूस के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। हालांकि तब तक इसराइल अपनी हद में वापस लौट चुका था। इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान में खलबली है। ईरान के सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद प्रेसिडेंट पिज़िश्कियान ने भी नेतन्याहू को युद्ध की चुनौती दे दी है। این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اسرائیل در مهمان ما رو در تهران روز تحلیف ترور کرد. به ما گفتن شما صبر کنید. ایران اسرائیل کو دھمکانے کے بعد سپر پاور امریکہ کے خیمے میں بتایا جا رہے سعودی عرب کو اپنے پالے میں لانے کی پوری کوشش میں جٹا ہے۔ دوحہ سے آئی ان تصویروں پر غور کریے۔ युद्ध की टेंशन के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। ये मुलाकात सऊदी अरब के युद्ध से दूर रहने वाले बयान के बाद हुई है। हालांकि बैठक में क्या तय हुआ इसकी डिटेल अब तक सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह की गर्मजोशी दिखी उसे इसराइल और अमेरिका के लिए सेटबैक माना जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध में उनके साथ कौन है कौन नहीं इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसराइल दुश्मनों को जवाब देगा उसी अंदाज में देगा जिसके लिए इसराइल जाना जाता है। השם יקום דמם יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. इसराइल जीतेगा तो अमेरिका के हथियार से, अमेरिका के जंगी बेड़े से, अमेरिका की मिसाइलों से। वजह है ईरान और इसराइल की दूरी, जिसका एडवांटेज ईरान को मिलता है। ईरान की मिसाइल रेंज पूरे इसराइल तक है। वहीं मिसाइल के मामले में इसराइल का पड़ला हल्का है, तो फिर युद्ध का रुख अमेरिका के हथियार ही तय करेंगे। वो हथियार क्या होगा, क्या एटम बम होगा? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के नेतन्याहू के इरादे को बदलने का सिग्नल भर दिया है। इसे ईरान कतई ये नहीं समझ रहा कि एटमी धमाके नहीं होंगे। ईरान इसराइल की भिड़ंत जिस तरह तय है, ठीक उसी तरह खाड़ी युद्ध के न्यूक्लियर वॉर में बदलना भी तय है। भारत में इसराइल के राजदूत रूवेन अजार से सुनिए कि दुश्मन से बदला कैसे लिया जाएगा। Finally, to our amazement, the degree of infrastructure that was built underground with work that has been done for years to try to create a situation in which they can concentrate a large army underground and pop out with a surprise attack that would wipe out Oura communities in the north and actually with conquer. लेबनान में इसराइल डिफेंस का जमीनी हमला हर गुजरते दिन तूफानी होता जा रहा है। IDF ने बेरूत में इजरायली झंडा लहराया तो खाड़ी में आउट ऑफ कंट्रोल युद्ध होगा जिसमें तुर्की जैसे देश भी कूद पड़ेंगे। अर्दोगान ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि इसराइल से धर्म युद्ध होगा। तुर्की नेटो फोर्सेस का हिस्सा है। तुर्की में अमेरिका के एटमी हथियारों की तैनाती भी है। युद्ध के माहौल के बीच ये एटमी हथियार इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान पर एटमी हमला इसराइल के वजूद को खतरे में डाल सकता है।